नाज्रेन आदाब मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर के इस खसूस प्रोग्राम उर्दू नामा उर्दो नामा की इस नशस्त में आप सबका खैर मकदम है नाजन आज के इस प्रोग्राम में हमने इजहार ख्याल के लिए मदा किया है उर्दू के मुमताज़ मौक़ और नक़ाद डॉक्टर सैयद तकी आबदी साहब को डॉक्टर सैद तबिदी साहब पेशे के एतबार से मेडिकल डॉक्टर हैं लेकिन अदब का नहत गहरा ख रखते हैं उर्दू अदब और फ़ारसी अदब में आपका मतलब नात आमीख़ और वसी है आपकी ताल साठ से ज़ायद किताबें शे हो चुकी हैं जिनमें गालिब इकबाल और अनीस और दबीर के अलावा फिराख गोरखपुरी पर भी आपका काम अदब और तहकीीक़ और तनखीद के हलकों में नहायत पसंदीदगी की नज़र से देखा गया है तो डॉक्टर साहब आप आपका इस्तबाल है आज की इस महफिल में आज हम गुफ्तू करते हैं फ़रा गोरखपुरी के बारे में डॉक्टर साहब हमारे नाजरन को ये बताएँ आप कि फ़िरा गोरखपुरी जो उर्दू अदब में एक ख़ास अहमियत और मकाम के हामिल हैं जो बीसवीं सदी के भी शायर हैं और इक्कीसवीं सदी के भी शायर हैं तो उनकी शख्सियत और शायरी के बारे में आपके तसर जानने के लिए मुश्ताक रहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया मैं मामनून हूँ मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी मखसूस उर्दू डिपार्टमेंट और ये उर्दू नामे के कारकुनान का के वो अजीम शायर जिसने कहा था आने वाली नस्लें तुम पर फ़ख्र करेंगी हम असरो जब ये ध्यान आएगा उनको तुमने फिराक़ को देखा था रघुपति सहाय फिराक़ अट्ठारह सौ में पैदा होकर उन्नीस सौ बयासी साल उम्र कर कर जब इस दुनिया से गुजरे तो इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें सरकारी तरीके पर उनको सलामी के साथ दफन किया यह उर्दू का बड़ा शायर प्रोफेसर साहब गजल का शायर माना जाता है यानी इसने रिवायती ग़ज़लें कहीं तरक्की पसंद गजलें कहीं जदीद गजलें कहीं माबाद जदीद गजलें कहीं यही नहीं बल्कि इसने जो रुबायात कही हैं और रुबायात में जो अर्जियत है रवायात में जो इस भूमि इस ज़मीन से जो लगाव है जी। ये जो हमारा ब, बरसगीर है ये जो हिंदुस्तान की तारीख है ये हज़ारों सालों पर आपके जो है फैली हुई है तो किस तरीके से असातरी मसाइल को किस तरीके से तहजीबी मसाइल को किस तरीके से भारत के कल्चरल मसाइल को पेश किया है वो इनका कारनामा है तो आप देखते हैं कि इसी वजह से इनको अजीम शायर कहा गया कि उस और गज़ल गोई के बारे में उन्होंने एक शेर कहा था कि ख़त्म है मुझ पे गज़ल गोई ये दौरे हाजिर देने वाले ने वो अंदाज़ सुखन मुझको दिया तो ऊपर वाले ने जो इनको चीज़ें दी तो ही वॉज जीनियस यानी यूँ समझिए कि मजनून गोरखपुरी जो उन्हीं के वतन से थे उन्होंने कहा जी फिराक आठ कपारी हैं यानी उनकी एक खोपड़ी में आठ ब्रेन हैं वो एक उर्दू के शायर भी हैं वो एक इंग्लिश के शायर भी हैं वो एक मौलिम भी हैं वो एक मुजाहिद आज़ादी भी हैं वो एक नकाद भी हैं वो एक आपके क्या कहते हैं बड़े अजीम दानश्वर भी हैं तो आठ खसूसियत का हामिल व फिराक़ को अट्ठारह महीने की जेल भी हुई जब वो गए आपके क्या कहते हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े आजादी में, आजादी, आजादी में जहद आज़ादी में सत्रह साल की उम्र में जिगनू जैसी नज्म कही यही नहीं बल्कि उन्होंने उन्नीस सौ सैंतीस में जो अपना मखाला लिखा उर्दू की इश्किया शायरी उसमें उर्दू शायरों से मुखातिब करके कहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो तुम लोग क्यों जिक्र तो फुरात का करते हो जेहून का करते हो नील का करते हो तुमको चाहिए कि यहाँ की ज़मीन का कुहे खाफ की परियोगा करते हो तुमको चाहिए कि अपनी शायरी को अगर इस ज़मीन से जोड़ देंगे तो ये शायरी हमेशा के लिए यहाँ पर मजबूत रहेगी तो खुद उन्होंने आप देखते हैं कि संस्कृत भी जानते थे भाषा भी जानते थे इनके बाप खुद शायर थे जी। इनके बाप जो हैं उर्दू और फारसी के शायर थे और उन्होंने आपके जो है फितरत जो है एक बेहतरीन मसनवी भी, भी कही थी तो इनके बाप ने इनको उर्दू और फारसी पढ़ाई और पंडित तुलसीदास ने इनको रिलीजियस आपके जो है इंफॉर्मेशन और संस्कृत पढ़ाई तो इस वजह से इनकी शायरी दो आतिशा बन गई उन्होंने आपके अर्जियत को जिस तरीक़े से पेश किया मेरी नज़र में कोई ऐसा दूसरा शायर नहीं है जिसने हमारे इंडियन कल्चर को जिसने इस ज़मीन की उस तमाम ख़ूबियों को किस तरीके से पेश किया है तो ये शख्स वो है जो उस इनकी शायरी में जैसा कि आज ज़िक्र हुआ कि भाषा और संस्कृत से के शोरा से हसन की हिस्सियत ली गई हाउ टू लुक आपके जो है क्या कहते हैं हुसन, हुसन क्या होता है हुसन है ठीक की वो तुलसीदास से, तुलसी से ली गई सूरदास से ली गई कबीरदास से ली गई तो उसमें जो दर्द है उसमें जो है खूबसूरती है उसको ली गई उसी तरीके से जो अंग्रेजी स्पॉन्सर्स वगैरह जो अंग्रेजी शोरा थे उनसे मंजर निगारी ली गई कि मंजर किस तरह से हो दिलल नेचुरल शायरी के एलिमेंट्स लिए गए और फिर मीर से और जुर्रत से और मोमिन से और हसरत से उससे वो जमालियाती हुसन जो था वो जबान और बयान का जो जिक्र था उर्दू शायरी का उन्होंने आपके जो है फिराक ने हासिल किया यानी यूं समझिए कि कहते हैं देखिए एक रुबाई सुनिए कि मानिए कायनत मुझमें आ जा राफात ज मुझमें आ जा सूना संसार झिलमिलाते तारे अब भीख चली है रात मुझ में आ जाए, कहने का अंदाज आप देख रहे हैं किस तरीके से है आपके जो या, यानी वो कहते हैं कि ये चीजें जो मैं यानी रामजोर और हाथ वगैरह में बयान कर रहा हूं वो ये कह रहे हैं कि हंगामे रोजगार दम लेते हैं संसार का हम भेद भरम लेते हैं ये लम्हे वो हैं जब दिल शायर में फ़िराक कुछ रमज व निकनायात जन्म लेते हैं सीक्रट्स ऑफ द नेचर कायनात के जो राज हैं कायनात के जो राज हैं वो शायर के जो जिस्म में फिक्र में जो जन्म लेते हैं वो और कहते हैं ये जो हमारे बरसर की तारीख है हिंदुस्तान की तारीख है उसको चार मिसरों में देखिए बयान करते हैं अ सबसे पुरानी कौम दुनिया की सलाम वाँ वाँ। सबसे पुरानी कौम दुनिया की सलाम ऋषियों ने बताए तुझे वो राज दवा ऋषियों ने यानी वो पंडितों ने वो शंकर आचार्यों ने तुझे ऐसे राज बताए जो फॉर द डे ऑफ जजमेंट बाकी रहेंगे कहते हैं जिन्हें रूह हो रवान तहजीब रूह क्या है स्पिरिट है जी जी। रवान क्या है उसकी जो है आपके फिक्र है ठीक है, है। कहते हैं जिसे रूह रवान तहजीब मुजमर जिन में, में है ज़िंदगी के पैगाम जिसमें पोशीदा हैं जिसमें हिडन हैं ज़िंदगी के पैगाम तो आप देख रहे हैं कि फिराक जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं फिराक उर्दू की फ़ारसी की अरबी की संस्कृत की भाषा के जो लफ्ज़ मिलता है उसको रखते हैं बिकॉज ये जो है एक बहुत बड़ा शायर है जिसको इन जबानों पर भी कमेंट है सब ये एक तरफ तो इनके यहाँ दानिश्वरी की ये सतह है कि वो ऋषियों और मुनियों के फ़लसफ़े की तबलीग करते नजर आते हैं लेकिन दूसरी तरफ उनकी शायरी में ये भी हमको मिलता है कि हिंदुस्तान की जो सकाफ़त है जो तहज़ीब है ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के मुतवसर तबके के देहाती माहौल से ताल्लुक रखने वाली औरत, औरत का क्या तस्वूर मिलता है इनकी शायरी औरत की बड़ा अच्छा सवाल किया आपने प्रोफेसर साहब मसला यह है कि औरत की जो जमालियात है ठीक है ये जो हमारे पास एजेंटा और एलूरा इसको आप उस ज़माने की तहजीब से देखिए यानी औरत के बदन की आपके जो है यहां पर नुमाइश जो है वो सेक्सिज्म के तरीके से नहीं है वो बल्कि आपके जो है एक ब्यूटी के तरीके से है तो उसको हुसन के तरीके से देखा गया है तो नज़र नज़र से उसको उसको जैसे नजर से देखा है अब जैसे देखिए एक प्रेमी है जो गाँव में है उसका जो है शौहर गया हुआ है नहीं है आंसू से भरे भरे वो नैना रस के जी आंसू से भरे भरे वो नैना के साजन कब सुखी थे अपने बस के ये चांदनी रात ये बिरहा की पीड़ा जिस तरह उलट गई हो नागन डस के वाह वाह अच्छा तजुर्बा हमारा है कि नागन जब डसती है तो नागन डसती तो क्या करती है अपने जहर को डालने के लिए उलट कर मसल्स को जो है आपके कंस्ट्रक्ट करती है तो ये जो ये कोई व्यस्त नहीं समझ सकता आप समझ रहे ना कि किस तरीके से अच्छा अब ब्यूटी देखिए यहां पे तो मेकअप नहीं है लेकिन एक रियल ब्यूटी है चेहरा देखे तो रात गम की कट जाए सीना देखे तो उमड़ा सागर हट जाए सांचे में ढला हुआ ये शाना ये बगल जैसे गुल ताज़ा खिलते खिलते फट जाए तो ये जो ये जो ये जो अंदाज बयान है जो मैं बता रहा हूं कि अब होठ है होठ पे जो है लिप्स पे बहुत बात हुई अब ये देखिए बात कहते हैं ये इसको कहते हैं जमालियाती एस्थेटिक सेंस जो इनके पास है कहते हैं ये चेहरा खुला हुआ ये महके हुए होंठ ये गेसुओं की लपट ये लहके हुए होंठ ये ताज़ा दमी या मुस्कुराहट या निशात सांसों की ठंडी लौ दहके हुए होंठ तो कहने का अंदाज जो है फिराक का वो उस तरीके से है जैसे के अलावा औरत के जो दीगर रूप हैं औरत के जो दीगर रूप हैं उसके बड़े खूबसूरत तरीके से कहते हैं जैसे माँ जो है देखिए रूप में फिराक ने बेटी बीवी बहन और माँ लेकिन जब माँ के तरफ आए हैं तो उन्होंने फिर ऐसा बताया है कि माँ का जो है आपके क्या कहते हैं कोई दूसरा इंसान बता नहीं सकता उसको बहुत ही खूबसूरती तरीक़े से ममता के जो मोहब्बत को बताया है उनकी शायरी में मखसूस प्रेमी के साथ या दूसरे चीज़ों के साथ बड़ी ख़ूबसूरती से हमको मिलता है लेकिन जो चीज़ उनके पास मैं आपको यह बताता हूँ कि ममता की मोहब्बत तो है बहुत से शायरों ने कहा लेकिन रूह कायनात में डॉक्टर साहब उन्होंने इस बड़ी ज़मीन के जो कनेक्शन बताए हैं कि यहाँ पर ये जो कंट्री है ये जो मुल्क है इसमें बहुत सी कौमें आबाद हो गई कहते हैं हर ममता पर मैं आता हूं जी, मगर यह सुन देख लीजिए पहले कि हर फिरके वो हर और हर मजहब दीन सबने जाए पना पाई है यहीं यही, वाह यहीं पर आकर इन लोगों ने पना पाई है इसी भूमि ने उनको आपके जो है उनकी रक्षा की है औलाद में ममता झलकती है तेरी दुनिया की मादरे वतन है ये जमीन यानी तमाम दुनिया के लोग आए मां की तरह से इसने अपना जो है अपना दामन पहला पहला है दामन, दामन बिछाया गहरा हर ख़ौम से तेरा नाता है हम ही नहीं मां तुझे प्यार आता है औरों का भी हक है मामता पर तेरी सुनते हैं तेरा नाम जगत माता है क्यों कहा गया जगत माता क्योंकि यहाँ पर आपके जो है आ, आ गई आपके जो है तो किस तरीके से वो जो बताया गया है या और एक सुनिए कि क्योंकि ऐसा कहने वाला शायर हमारे पास इस तरीके पर नहीं हुआ है जिस तरीके से ये बताते हैं तो आपने कहा था कि ये जो देहात की जो हुसन है ये कब अपने हस्बैंड के साथ खाना खाती है नहीं खाती सही हाँ बिल्कुल देहाती कल्चर में नहीं, नहीं है अगर कुछ हाँ। मिल बच जाए तो खाती आ, है जी, जी। मगर अब जब खा रही है तो अब फिराक बयान करा प्रेमी के साथ खाने का वो आलम क्या बात फुलके पे वो हाथ जिसमें नाजुक में वो खम वाह वाह लुखमे के उठाने में कलाई की लचक वाह वाह दिलकश कितना है मुंह का चलना कम कम वाह तो ब्यूटी देख रहे हैं आप शायरी में यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी जो जमालियात है हमारा जो एस्थेटिक है हमारा जो तर्ज़ बयान है अब प्रेमी को बुखार है प्रेमी को बुखार उठ नहीं सकती है पलक बैठी है सराने माने मुखड़े की दमक जलती हुई पेशानी पे रख देती है हाथ पड़ जाती है बीमार के दिल में ठंडक तो तो जज्बात निगारी आप देख रहे हैं के, औरत के इन, तर्जुमानी की तर्जुमानी इंसान की बताएं हैं इसी वजह से कह रहे हैं भारत माता से जो है मुखातिब होकर कह रहे हैं इंसान को इंसान बनाया तूने विजदान को विजदान बनाया तूने हर फन को आईना हकीकत का किया हर इल्म को इरफान बनाया तूने यहाँ पर जो भक्ति की शायरी है यहां पर जो आफाकियत की शायरी है यहां पर जो इंसानियत की शायरी है यहां पर जो ह्यूमैनिज्म है आपके जो है कि किस तरीके से यहां पर तो तालीम यह है कि जानवर को तकलीफ ना दिया जाए इंसान तो बड़ी बात है कौमों के तजाद यानी जो इख्तलाफात हैं को मिटाना है तुझे फिराक कह रहे हैं अय भूमि तेरा काम यह है कि ये जो कौमों में जो लड़ाइयां हो रही हैं उसको खत्म करना है कौमों के तजाद को मिटाना है तुझे कौमों की बुनियाद को मिटाना है तुझे ना नाकबिल तकसीम है दुनिया की फला तकसीम मफाद को मिटाना है तुझे ये जो सरमाएदार ये जो आपके वल्चर्स हैं जो गरीबों को गरीब बनाते जा रहे हैं उसको तुझे मिटाना है दुनिया से जंग बचाना है तुझे अख़्वाम की दुश्मनी मिटाना है तुझे जो जाग के भी हैं कानू जदा उन जागे हुओं को जगाना है, है तुझे।, तुझे तो प्रीवियस हिस्ट्री से असाति मनाजिर से जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं और वो ये बता रहे हैं जैसा आपने कहा कि ममता के भी बारे में वो कहते हैं कि ममता एक बड़ी ख़ूबसूरत उनकी जो है शायरी थी कि जब बच्चे को मारती है माँ प्यार से फरिश्ता बन के तो बच्चा मदद के लिए माँ को ही पुकारता है बड़ा ख़ूबसूरत तरीक़े से कहा समझना तो बच्चा भी जो है माँ जब बच्चा बच्चा पिटता है माँ से तो माँ को ही कहता है बच्चा माँ समझना तो वह माँ माँ जो करता है तो वो वो जो तरीक़े से फिराक़ बयान करते हैं कि एक बच्चे को निर्मल जल से नहा कर और उसके बालों बालों में आपके कंगी कर कर अपने घुटनों में लेकर जब उसको कपड़े पहनाती है तो वह बालक जो है जिस तरीके से माँ के मुंह को देखता है आ, बहुत आ, तो, तो तो दिस इज पोएट्री समझे ना आपके यानी देखिए बड़ी पोइट्री वो होती है कि जब लफ्ज़ों में बयान की जाए तो आप पूरी तरीके से आपके कहें कि ओह माय गुडनेस ये आंखों में फिरने लगे जैसे आवाज अब ये हसीना की आवाज़ है आवाज को आप कैसा पेश करेंगे फ, फ, उसने जो है आपके ये सुकन जो है जिसको सरापा कहते हैं वो सुकनक जो है उसमें देखिए कि कहते हैं कि ये नुरवी आवाज ये मुतरन खाब तारों पे पड़ रही हो जैसे मुजराब लहजे में यह खनक यह रस ये झनकार चांदी की घंटियों का बजना तहे आप मेटाफोर्स जिसको कहते हैं इस्तियारा जिसको कहते हैं आपके जो है जिसको तशबी कहते हैं सिमिली जिसको कहते हैं वो कमाल का शायर है तो आप देख रहे हैं कि ही इज जीनियस वो जीनियस है जिसने इस तरह से शायरी की हाँ पर्सनालिटी अलग है पर्सनालिटी स्ट्रांग है पर्सनालिटी लोग पसंद नहीं करते उनकी क्योंकि सबसे बड़ा ज़ख़्म जो आदमी लगा सकता है जबान का है तो इनकी ज़बान हमेशा खुली रहती थी लेकिन माना ये कि जिस तरीक़े का ये शायर है जिस तरीक़े का अब जैसे आकाश के मंदिर में तेरा दर्शन है अब देखिए आपके जो है इसमें क्या क्या संस्कृत के अल्फाज हैं आकाश के मंदिर में तेरा दर्शन है सीने में चिराग सरमदी रोशन है यहां पर तो हिंदू माला से बातचीत की अब यहाँ पे सरमदी के, के मुसलमानों से मिला दिया ठीक यह, है यह। आकाश के मंदिर में तेरा दर्शन है सीने में चिराग सरमदी रोशन है रुखसारों में पीली सुबह की नर्म दमक जब सुबह निकलती है तो एक पीला रंग जो है फैलते रहता है मुखड़े पे तेरा अजब सुहाना पन है तो ये माशूक को कहना आपके के जो है कि तेरे सो सेने पर किस तरीके से है तो यह बड़ा शायर है और यह बड़ा शायर जो है उस तरीके से हासिल नहीं होता जिस तरीके से हम बात करते हैं तो फिराक जो है इंसानियत का शायर है फिराक जो है रोमानियत का शायर है फिराक जो है आपके क्या कहते हैं दर्द का शायर है फिराक अंग्रेजी का भी जो है उम्र शायर है तो फिराक ने कहा भाई कि आप अर्जियत की बात करें आप अर्जियत की बात करें यहां के चीजें अब जैसे देखिए हमारे पास जो रागे हैं बहरवी हैं जी। बहरवी राग जो है सुबह के टाइम पर गाई जाती है सही हमारे पास जो है मल्हार है मल्हार बरसात जब होती है तो जब गाई जाती है अब सुनिए निखरा हुआ रंग क्या सुहाना है समय वाह निखरा हुआ रंग यानी एक, एक खूबसूरत चेहरे को देख रहा है शायद और कह रहा है निखरा हुआ रंग क्या सुहाना है समय पू फटने पे बहरवी की आने लगी लय ऐसा मालूम हो रहा है कि बहरवी की लय आ रही है समझ रहे ना आपके वो खत के और एक जगह कहते हैं वो खद के बहरवी सुनाए जब सुबह यानी ऐसा मालूम हो रहा है कि ये लंबी खत की जो हसीना है वो खद ऐसा मालूम हो रहा है जैसे बहरवी की एक लहर जो है सुबह सुना रही है समझ रहे ना आपके जैसे मध्यम सुरों में खुद गाये मल्हार तो फिराक ने हमारी इस भूमि की जो कदरें थी देखिए संगीत इस कंट्री का इस कंट्री की म्यूजिक जो है टॉप की थी यह और चीज है हमने इस म्यूजिक को दुनिया में आम नहीं किया अभी भी रवि रविशंकर का आपके जो प्रोग्राम होता था तो आपके जगह नहीं मिलती थी हमको जी, तो हमने उसको दुनिया में पेश नहीं किया आप सुनिए जैसे मध्यम सुरों में खुद गाए मल्हार गुफ्तार में शबनम की रसीली झनकार और या या कृष्ण की बांसुरी का लहरा है बदन यानी बदन जो कर्व है उसको कृष्ण जी की बांसरी के लहर से, से मिलाना ये कमाल है समझ रहे हैं आपके? मुखड़े में बहाग राग दहका दहका बहाग राग जो है उसमें एक जज्बा होता है झमझम बजती हुई कमर की जंजीर बेलाग हंडोल राग की है तस्वीर जी तो रागों से जमाल को मिलाना हुसन को मिलाना हसीना की बात करना बड़ी शायरी तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो रुबाई कहें गज़ल या फिराक व गज़ल कहें या फिराक वो बयासी चरासी बड़ी बड़ी नज़में कहें या फिराक वो जो है क्या कहते हैं कि दोहे कहें दोहे कहें और मजामी लिखें फिरा ने रविंद्र नाथ टैगोर की 101 सौ एक नजमों का तर्जुमा भी किया है फ़िरा ने उनके ड्रामे अनारकली का भी तर्जुमा किया फ़राख जो है एक जीनियस थे लोग कहते थे कि जब वो अंग्रेज़ी के तो छब्बीस साल प्रोफेसर रहे यूनिवर्सिटी में एक शेरवानी पहने रहते थे वो उसके बटन भी लगे नहीं रहते थे अब वो चले गए आपके डंडा हाथ में लेकर और अब इधर से शुरू किया आपके क्या कहते हैं व्हाट्सवत और ख़त्म किया मीर तखी मीर पर तो ही वॉज ए ग्रेट जीनियस आपकी ये जब नाइनटीन एटीन में जब इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ काम किया तो अंग्रेजों ने इनको अट्ठारह महीने की जेल कर दी अट्ठारह महीने की जेल कर दी तो वहां पे पंडित नेहरू से मुलाकात हो गई तो फिर पंडित नेहरू के ये 1930 तक 1930 तक अंडर सेक्रेटरी रहे लेकिन लेकिन इनकी शिनाख्त जो है एक ऐसे पोएट की तरह है जिसने गरीबों की गुफ्तु की है जिसने हुस्न की गुफ्तु की है जिसने असातिर की गुफ्तु की है जिसने इस ज़मीन के कदीम रिवाजों की गुफ्तु की है और पूरी तरीक़े से हमको यह बताया है कि शायरी वो है जो कल्चर से मिलकर अगर बढ़े तो उसमें दो आतिशा आपके जो है असर पैदा होता है बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैद तकिया साहब आपने फिराक गोरखपुरी की शख्सियत और उनकी शायरी और शायरी की अहम खसूसियात पर नायात बसरत अफरोस खिताब फरमाया जिसके लिए हम आपके नायात ही ममनू और सफास गुजार हैं नाजरीन इसके साथ ही ये प्रोग्राम खत्म होता है आइंदा उर्दू उर्दा में उर्दू की एक अहम शख्सियत के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए खुदा हाफिज